राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैशटैग शार्दुल की पाठशाला हैशटैग शार्दुल की ज्ञान क्लासेस हैशटैग लर्न विद फन हैशटैग लर्न विद शार्दुल। आई होप आप वीडियो एंजॉय करते होंगे। ई लर्निंग आपको अच्छी लगती होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करे और बेल आइकॉन को दबाने से आपको चैनल की लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलेगा। सो प्लीज सपोर्ट करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। और आप कैसी लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो प्लीज बताएं। आपके रिव्यू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और प्रेशस है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। फर्स्ट लेट्स नो व्हाट इज बिफोर। तो चलिए जानते हैं कि बिफोर क्या है। द नंबर्स व्हिच कम्स बिफोर एनी अदर नंबर इज कॉल्ड बिफोर। जो नंबर किसी भी नंबर के पहले आता है उसे हम बिफोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10 इज गिवन टू यू। 10 आपको दिया गया है। व्हाट कम्स बिफोर 10? 10 के पहले क्या आता है? 9 इज द आंसर। 9 आता है 10 के पहले। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। व्हाट कम्स बिफोर 16? 16 से पहले क्या आता है? आंसर इज 15। 15 आता है। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। व्हाट कम बिफोर 3? आई होप आप बिफोर का मतलब समझ गए होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर आफ्टर। After, the number which comes after another number is called after. एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर के बाद आता है उसको after कहते हैं। For example, 1 then 2. 1 के बाद 2 आता है। What comes after 12? 12 के बाद क्या आता है? Answer is, 13 comes after 12. 13 आता है 12 के बाद। ठीक है, अब ये एक question है, इसका answer आप comment section में दीजिएगा। What comes after 9? Let's know what is between. Between is the number which comes between the two numbers is called between. जो नंबर दो नंबर के बीच में आते हैं उनको between बोलते हैं। Between का मतलब होता है बीच में। For example, what comes between 14 and 16? 14 और 16 के बीच में क्या आता है? Answer, 15. What comes between 11 and 13? 11 और 13 के बीच में क्या आता है? Answer, 12. ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। What comes between 9 and 11? I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। Thank you for watching. Please give me your support and your blessing. Please like, share, subscribe and comment karna na bhule. Aapka ek comment bahut important hai. It means a lot, so comment kare. Stay safe, stay happy aur COVID protocols follow kare. See you in the next video. Bye bye.